गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं ऑनियन का क्रिस्पी पकौड़ा। मैंने चार ऑनियन को छील के वॉश करके कट किया है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे। ऐसा करने से ऑनियन से ना मॉइस्चर आएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी 10 मिनट के बाद में चेक कर लेंगे, ऑनियन ना बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें हम लोग ग्रीन चिली डालेंगे। चिली आप कितना तीखा खाते हैं वो अनुसार आप लोग डालिए। अभी इसमें करी लीफ और अदरक इसमें डालेंगे, और इसमें 2 चम्मच बेसन, 4 चम्मच मैदा और 2 चम्मच राइस पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, ये चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, थोड़ा सा चिली पाउडर, मेरे पास भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर है, अजवाइन ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा नमक। नमक आप लोग चेक कर लीजिए आपका स्वाद अनुसार। अभी इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए इसमें पानी नहीं डालना है। तो अभी एक पैन में मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने के लिए रखी थी। अभी हाथों से इसको थोड़ा सा राउंड और फ्लैट करके पैन में डालेंगे। अभी दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए, नहीं तो पकौड़ा क्रिस्पी नहीं होगा। देख लीजिए दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अभी निकालेंगे साइड में। अभी उसी तरह बचा हुआ जो ऑनियन का जो मिक्सचर बनाया है उसको भी हम लोग फ्राई करेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बना हुआ है।